हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर आ गया हूँ आज का नेक्स्ट वीडियो लेकर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म। तो फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म जो हम अब आज करने जा रहे हैं वो भी इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस के एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस के अंदर आते हैं वो भी आते थे इंटरफेरेंस के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के एप्लीकेशन के अंदर फ्रेनेल का बाई प्रिज्म जो होता है वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। तो अब जो इसका जो मेन थियोरी वगैरह है वही आज डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मेरा अगर चैनल अच्छा लगे वीडियोस तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, और कोई भी डाउट वगैरह पूछना हो तो पूछिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो इसका जो एपरेटस होता है ये ऐसा होता है, और ये MN और LN दो प्रिज्म को ऐसे करके ऐड करके दो प्रिज्म लेता ले आ जाता है, इसीलिए इसको बाई प्रिज्म बोलते हैं। और इसका दो का जो एक्यूट एंगल होता है वो बहुत छोटा होता है, कम से कम अप्रोक्सीमेटली लिया जाए तो 30 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स का एंगल होता है। ठीक है, और इस सोर्स से ऐसे करके दो लेंस से जाकर पी और क्यू से मिलता है ये फ्रेम में, और ये प्रिज्म के जो प्लेन हिस्सा होगा ये सोर्स की तरफ होगा, और प्लेन के लेंस जो प्रिज्म है प्रिज्म का जो प्लेन है उस तरफ से ये डायफ्राम की तरफ का जो डिस्टेंस है वो डी है, और स्लिट से मतलब सोर्स से प्रिज्म तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, और ऐसे करके जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर दो पॉइंट्स से आ रहा है ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो है डी, और यहाँ पर जो एक हम IPC यूज़ कर सकते हैं, IPC यूज़ करके हम लोगों को देखना होता है, तो इसको बोलते हैं रैम्सडेन आईपीस। तो वो होता है रैम्सडेन आईपीस जो होता है। तो ये पहला जो पॉइंट हुआ, इसका पहला पॉइंट ये हुआ कि द प्लेन फेस ऑफ द बाई प्रिज्म शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्लिट और सोर्स, मतलब जो स्लिट और सोर्स जो बोलते हैं यस ओके। दूसरा, ये जो फ्रिंज आएगा ये फ्रिंज होगा नॉन लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज्ड फ्रिंज का कोई एग्जांपल, हाँ वो न्यूटन्स रिंग, क्योंकि न्यूटन्स रिंग लोकलाइज्ड है, इसका जो फ्रिंज आएगा वो नॉन लोकलाइज्ड होगा। ओके, तो अभी थोड़ा फॉर्मूला डेरिवेशन पे आते हैं, उसके बाद थोड़ा थ्योरी डिस्कस करना होगा। थर्ड जो पॉइंट मान लेते हैं द अपेरेंट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द फोकल प्लेन, मतलब स्लिट और जो फोकल प्लेन है ऑफ द आईपीस, फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस, द फ्रिंज विथ बीटा विल बी, बीटा का ऐसा फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू d by d into lambda, okay? ऐसा मान लेते हैं कि ये सब ये जो फॉर्मूला है ये सबको पता है पहले से। ठीक है, बीटा इक्वल टू d by d, तो यहाँ पर कैपिटल d और स्मॉल d क्या है, कैपिटल d वो है कि कैपिटल d की कौन क्या है, कैपिटल d है जो बाई प्रिज्म का जो प्रिज्म है प्रिज्म का प्लेन से डायफ्राम तक का दूरी वो है कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी वो है कि जब वो दो रिफ्रैक्शन बीम आ रहा है अगर ऐसा लगता है कि ए और बी दोनों पॉइंट से वो लाइट आ रहा है, ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके हमारा इंटरफेरेंस होने का लाइट का जो थियोरी था वो क्या था हम लोगों का, कि वो इसका कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि
कोहेरेंट होना चाहिए। तो ऐसे करके हम दो कोहेरेंट सोर्स बना लेते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो कोहेरेंट सोर्स बना लेते हैं। इसलिए क्या होता है, इस इन दोनों के, ये दोनों का जो पाथ है, पाथ में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होता है और इंटरफेरेंस फ्रिंज वो देता है। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वही है कैपिटल डी, ठीक, स्मॉल डी, ओके, स्मॉल डी। और लैम्डा तो गिवन होगा, लैम्डा तो हम लोगों को निकालना है। तो बीटा हम लोग ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम से स्केल से बीटा को मेजर कर सकते हैं, डी और डी स्केल से हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को लैम्डा फाइंड करना है। तो यही मेन जो काम है इसका, यही है। आज थोड़ा मार्कर जो है वो गड़बड़ कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर एक रे एक्स जो है, इंडेक्स एरर एक्स कैसे आ रहा है वो दिखाता हूँ। हम जब बीटा वन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पहले मान लेते हैं बीटा का वैल्यू, बीटा का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी इंटू लैम्डा, ठीक है। डी बाई डी इंटू लैम्डा, तो ये जो आता है हाँ, जो डी वन प्लस एक्स होता है वो ऐसा होता है, डी वन प्लस एक्स बाई टू लैम्डा, ठीक है। तो आईपी स्टैंड जो है वो ऐसे एक रिलेशन में आता है। तो ये जो है इंडेक्स एरर, ये आपको सप्लाई कर दिया जाएगा या इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसका एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहले हम बीटा वन निकाल लेंगे, डी वन प्लस एक्स बाई डी इंटू लैम्डा, और बीटा टू निकाल लेंगे, डी टू प्लस एक्स बाई डी इंटू लैम्डा। उसके बाद एक्स को एलिमिनेट ऐसे करेंगे, बीटा टू माइनस बीटा वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन इंटू डी इंटू स्मॉल डी, ओके। तो ऐसे हमको वेवलेंथ निकालना है, किसका, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट का। डी वन डी टू क्या है, डी वन डी टू है जो लेंस वन से डायफ्राम तक का दूरी और लेंस टू से डायफ्राम तक का दूरी। और ये डी वन डी टू कितना रखना है डिस्टेंस, ये रखना है डी ग्रेटर देन 4f, मतलब इसका जो फोकल लेंथ होगा इसका चार गुना से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ रखना होगा, सेम इसका भी, ठीक है। अब निकालना है डी, तो डी कैसे निकाला जाए, डी वन होता है स्मॉल डी वन डिस्टेंस ऑफ रियल इमेजेस ऑफ ए, मतलब ए का और बी का जो आता है, डी टू होता है बी का डिस्टेंस ऑफ रियल इमेजेस ऑफ बी। तो डी, तो स्मॉल डी कितना आएगा, रूट ओवर डी वन इंटू डी टू, ऐसे करके हम लोगों को डी स्मॉल डी मिल जाएगा, ठीक है।
तो पहले ही बोला था कि ये जो एक्यूट एंगल होता है वो तकरीबन 30 मिनट के आसपास होता है ये बाइप्रिज्म का। तो ये क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो ये जो है इस एक्यूट एंगल को छोटा रखा जाता है, बेस एंगल जिसको बोलते हैं, बेस एंगल। ये बेस एंगल ऑफ द बाइप्रिज्म इज केप्ट स्मॉल, इफ इट इज मेड लार्ज देन डी बिकम्स लार्ज। मतलब डी से जो रिलेशन है ये है डी इक्वल टू 2a(n-1) इंटू अल्फा, अल्फा है बेस एंगल, ये जो माइनस नहीं जो आसपास 30 मिनट के एंगल के एक्यूट एंगल जो है वो है अल्फा। ए है वो सोर्स से प्रिज्म की बेस की तरफ जो दूरी है वो ए है, और एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे ये जो रिलेटेड है, तो अल्फा अगर लार्ज लेते हैं तो डी भी लार्ज होगा, अगर डी लार्ज होगा तो बीटा, हम जानते हैं कि बीटा, बीटा का वैल्यू क्या होता है, बीटा इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा। तो अगर ये स्मॉल डी ज़्यादा हो जाए तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ अगर कम हो जाएगा तो हाई मैग्निफिकेशन में भी वो डिस्टिंग्विश्ड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इफ़ इट इज मेड लार्ज देन डी बिकम्स लार्ज एंड बीटा बिकम स्मॉल, दैट इज फ्रिंज विड्थ सो स्मॉल दैट इट कांट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर हाई मैग्निफिकेशन। तो अभी हम वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, तो कुछ जो चीज़ें बोलना होगा, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखा जाता है, तो इसमें जो सब एडजस्टमेंट करना होगा होता है वो जो स्लिट बाइप्रिज्म और आईपीस को एडजस्ट करना होता है, और एपरेटस को कोएक्सियल रखना होता है, और इसका जो फ्रिंज पैटर्न आता है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के अंदर आता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के अंदर नहीं, ठीक है। तो अभी जो एक और एक बात छूट गया वो है नेसेसिटी ऑफ नैरो सोर्स। यहाँ पे नैरो सोर्स यूज़ किया जाता है न्यूटन्स रिंग के लिए, ब्रॉड सोर्स नहीं, जैसा कि न्यूटन्स रिंग में ब्रॉड सोर्स यूज़ करते थे, यहाँ पर नैरो सोर्स यूज़ करते हैं। तो नैरो सोर्स क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो अब आते हैं नेसेसिटी ऑफ नैरो सोर्स। तो नेसेसिटी ऑफ नैरो सोर्स क्या है, अ ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेस प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। तो एक ब्रॉड सोर्स क्या होता है कि वो कुछ नैरो सोर्स को साइड बाय साइड रख के एक इक्विवेलेंट सोर्स होता है, वो है ब्रॉड सोर्स। नाउ इफ द स्लिट इज ब्रॉड द टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज कौन कौन था, ए और बी था, ये दोनों वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स था, कोहेरेंट सोर्सेज विल ऑल्सो भी ब्रॉड, ये दोनों भी ब्रॉड हो जाएगा अगर स्लिट ब्रॉड हो जाए तो। नाउ Each pair of the conjugate points on the virtual sources will give rise to an interference pattern. तो एक एक जो narrow source है, हर एक जो narrow source वो एक क्या करेगा, interference pattern rise करेगा। तो this interference pattern are slightly displaced from one another. वो थोड़ा थोड़ा करके displaced होगा एक से एक तक, और overlap कर जाएगा, और overlap के बाद क्या होगा, वो जनरल इल्यूमिनेशन देगा। एंड ओवरलैपिंग ऑफ सच पैटर्न्स रिजल्ट्स इन जनरल इल्यूमिनेशन, इसीलिए नैरो सोर्स यूज किया जाता है, ब्रॉड सोर्स नहीं, ठीक है। तो यही तक था फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, जो लैम्डा निकलना है, तो लैम्डा हम ऐसे निकल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू बीटा टू माइनस बीटा वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन इंटू स्मॉल डी, ओके। यहाँ से हम लैम्डा का कंक्लूशन, लैम्डा का इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसका लास्ट जो कंक्लूशन है वो एक बार जान लेते हैं। तो इसका जो कंक्लूशन है, कंक्लूशन यही है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से जाता है तो उसका वेलोसिटी कम होता है। तो यही है इसका कंक्लूशन बाइप्रिज्म टोटल जो एक्सपेरिमेंट का। तो यही तक था आज का वीडियो। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, और बताइए कैसा लग रहा है। धन्यवाद।